अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मजे में। मैं भी बहुत खुश हूँ, मजे में। आप सब सोच रहे होंगे उरूज ने अजीब ब्लंडर मारा है। पिछले हफ्ते कह रही थी कि इस हफ्ते मैं नहीं हूँ और इस हफ्ते आके बैठ गई। यस, मैं मेरे से अजीब सा चक्कर हो गया। मुझे आज जाना था ट्रेवल पे, आई वॉज सपोज टू गो टू दुबई, बट मेरा वीजा नहीं आया। देखिए आप कैसा अजीब सी चीज है। और जब वीजा नहीं आया तो मैं बड़ी मायूस हुई। मैंने कहा यार आज मेरा वीजा नहीं आया, आई वॉज सपोज टू गो, आई टोल्ड एवरीवन अबाउट इट। अब मैं वापस जाऊंगी तो अजीब सा सीन हो जाएगा। फिर मेरे अब्बू ने कहा मायूस क्यों हो रही हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो मायूसी है, ये इंसान कितनी सारी चीजों में फेस करता है। वैसे तो मैं बड़ी खुशबाश हमेशा कहती हूँ, मैं कभी मायूस नहीं होती, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लेकिन एक छोटी सी वीजा के प्रोसेस ने मुझे मायूस कर दिया, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैं अजीब मायूसी का शिकार हो गई। इस तरह हमारे रोजाना की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, छोटे बड़े, बड़े उनके मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा भी होते हैं और बहुत छोटे लेवल भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा मायूस कर देती हैं। और मायूस सिर्फ कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए कुछ चीजें करती हैं, और कभी कभी इंसान पूरी पूरी जिंदगी के लिए मायूस हो जाता है। तो ये मायूसी जो है हमारी जिंदगियों में तारी होती या आती किसी वजह से, क्या इसका होना सही है और क्यों कहा जाता है कि मायूसी कुफर है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारी ऑडियंस हमारे साथ है और मेरे वालिद, मेरे अब्बू जनाब, फेसबुक पे हमारी पिक्चर है और ये मेरे वालिद हैं। आप प्लीज जान लें, ये मेरे वालिद हैं, ये हमारी पिक्चर है। पीपल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टूडे। और पता नहीं, मैं भी आज इतनी मायूस सी हो गई थी, सच्ची बात है, जो कि जब मुझे पता, अभी तक फोन तो खैर आया नहीं है, स्टिल वेटिंग फॉर द कॉल। तो मैं कह रही थी, मैंने हर जगह कह दिया है, मतलब मेरे बाकी शोज पे भी मैंने कह दिया आई एम नॉट कमिंग, इधर भी मैंने कह दिया था कि एक हफ्ते के लिए आई एम नॉट अवेलेबल, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नॉट हियर। तुम्हारी वजह से मुझे फिल करना पड़ा है तुम्हारे सारे। नहीं वो तो खैर तो छोड़ो, वो तो एक अलग बात है, बट मैं एक बात कह रही हूँ कि मतलब कितनी बड़ी एक मायूसी की बात है। असल में अगर थोड़ा सा समझे, ये जिंदगी जो है ना, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओके, ठीक है। जिस तरह आपको कोई गिफ्ट देता है और आपको रैपर के अंदर नहीं क्या पता है, तो आप रैपर खोलते हो और रैपर खोलने के बाद गिफ्ट खोलते हो, तो कई दफा आपकी पसंद की चीज होती है, कभी बिल्कुल बेकार होती है, राइट? आपके लिए, आपके लिए देने वाला तो अपने खुलूस से, मोहब्बत से देता है, मगर आपके लिए फॉर एग्जाम्पल नहीं होती, या आप एक्सपेक्टेशन होती है। कई दफा आपको लगता है इसमें परफ्यूम होगी, कलोन होगा, और पता चला नहीं है, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट। सो मायूसी एक ऐसी कैफियत है जो पैदा होती है मुकम्मल डिसअपॉइंटमेंट या नाकामी के बाद, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन की नाकामी के बाद। इसका मतलब है, अगर हम रिवर्स में जाए तो मायूसी का डायरेक्ट ताल्लुक इंसान की तवक्कुआत से है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यानी एक्सपेक्टेशन होगी, प्रोपोर्शनली मायूसी बार बार इसी तरह जिंदगी में। अरे छोड़ो, मैंने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था, तो मुझे मंडे को, मैं मतलब सुबह, रात 2 बजे की फ्लाइट थी, तो मैंने कहा सुबह पहुंचूंगी तो आई विल डू माई वीजा का प्रोसेस जो अफ्रीका का, वो कंप्लीट करूंगी, एंड द नेक्स्ट डे आई विल गो टू वाइल्ड वादी, द नेक्स्ट डे आई विल गो फॉर शॉपिंग, एंड एवरीथिंग इज जस्ट यू नो मूवीज। यस, और मैं भी सोचू यार अब क्या, मतलब अब क्या। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, मेरे प्रोग्राम्स वो ज्यादा आए थे, एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल ना हुई, तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो मायूसी हो जाती है। अच्छा चलिए मुझे बात बताएं कि ये मायूसी का जो पीरियड होता है ये हमेशा तवील क्यों होता है? देखिए ये अजीब और गरीब चीज है, शायद नाजरीन को बताऊं और हमारे कई साइकोलॉजिस्ट को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जहन अजीब और गरीब तरीके से काम करता है। जब खुशियां होती है तो जहन बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, बहुत तेजी से चलता है, इवेंट्स को बहुत तेजी से चलता है। माइंड टाइम जो है, वक्त जो है वो रिलेटिव है माइंड में, माइंड खुद क्रिएट करता है टाइम को, राइट? तो कई दफा आपको लगता है जैसे वक्त ठहर गया और रुक गया हो, और कई दफा पता चला अभी हुआ और अभी चला गया, पता ही नहीं चला कब हुआ। तो हमेशा नोटिस करना कि खुशियों में खुशियां जल्दी गुजर जाएंगी, और जहां दुख और परेशानी के दिन होंगे वो लगेगा बहुत लंबे हो गए, यानी बरसों बीत गए, इतने साल हो गए, मैं अभी तक परेशान हूं, और खुशियां फौरन चली जाती है। माइंड प्रोसेस इस तरह करता है, माइंड प्रोसेस। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वैसे हमारे जो वीक्स होते थे, मतलब जो भी हम नॉर्मल डेज में करते थे, जब ये इवेंट नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं बड़े जल्दी गुजर रहे थे। यानी इवन टुडे, द डे यस्टरडे, मतलब हम इस्लामाबाद में थे, वी हैड अ वेरी गुड अमेजिंग वर्कशॉप, शुमाइला हमारा पार्ट थी वर्कशॉप का, जिन्होंने 4 डायमेंशन किया, एक और खातून आई थी, फरामीरपुर से आई थी, उन्होंने रेखी का लेवल 1 किया, देन शी एनरोल्ड हरसेल्फ फॉर रेखी लेवल 2, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन वो जो 2 दिन थे ऐसे फर करके गुजरे, रेखी के और 4 डायमेंशन के, बिकॉज वी आर हैप्पी एंड यू नो इट वॉज आर वर्क, वी लव टू डू आर वर्क, इट जस्ट वेंट अवे। बट जैसे ही मंडे, मतलब मैं घर पहुंची हूं वापस, और मुझे ये था यार अब वीजा का नहीं बताया, अभी तक अकील का फोन नहीं आया, वीजा का नहीं बताया, अब अकील इज पॉपुलर नाउ, वीजा का नहीं बताया,
तो अब मुझे वो जो पूरा दिन आज गुजरा है, इट वॉज सच अ टेरिबल टाइम कि मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है. वक्त रुक जाता है, वक्त रुक गया. अभी रोजों में पता चलता है ना. और फिर जैसे ही मैं मेकअप रूम में गई और मेकअप करना शुरू हुई तो वक्त खत्म हो गया फिर से. अब देखें रोजों में भी यही होगा. हाँ. क्योंकि आप इंतजार कर रहे होते हो इफ्तारी का. ठीक. और जिस चीज का इंतजार करते हो वो हमेशा लगता है बहुत दूर है. हमेशा लगता है बहुत दूर है. और इफ्तारी के बाद आपको पता ही चलता. अच्छा, एक और चीज है, इफ्तारी का जो टाइम होता है, चले पूरा दिन तो आपने गुजार दिया, गुजर गया, आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं ना, जो वेट हो रहा होता है, वो 15 मिनट पूरे दिन पे भारी होता है. एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती. हाँ. है कि बस अब 15 मिनट, अब 15 मिनट के बाद, अब 14 मिनट, अब 13. एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी, तो फिर जाहिर है इसी तरह आपको एंग्जाइटी भी होती है, और जरा हद तक आपको एक होता है, उस वक्त बर्दाश्त भी बहुत कम हो जाती है, बर्दाश्त कम आती है. तो आपको लगता है कि जब इंसान की इंसान मायूसी के स्टेट में होता है तो उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी, फॉर एग्जांपल बर्दाश्त, सबर, शुक्राना, शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड अपना करना, जेनरोसिटी, और यानी फराग दिली, तो ये सारी चीजें क्या उसमें खत्म हो जाती है उस वक्त? बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका सोचने का जो पैमाना है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है. मायूस आदमी हमेशा उन चीजों के बारे में सोचेगा जो उसको नहीं मिली, जो उसके पास नहीं है. उसको अपनी तमाम चीजें बुरी लगेंगी, कमतर लगेगी, दूसरों की बहुत अच्छी लगेगी, कंपैरिजन बहुत शुरू हो जाता है. मगर यह मायूसी के हवाले से एक बात जरूर बताते चलूं, एक मायूसी वो होती है जिसमें आपका इख्तियार नहीं होता, उसको हम कहते हैं जी डिप्रेशन और केमिकल इम्बेलेंस जो ब्रेन में हो जाता है, राइट. अल्लाह खुद जानता है कि ये प्रॉब्लम है उसको. मगर जहां आपका इख्तियार आपके पास है और फिर आप मायूस हो जाए, और उस मायूसी के अंदर, मायूसी से पहले एक स्टेट चलता है, एक काम शुरू होता है, वो होता है परेशान ख्याली में इंसान मुब्तला होता है. पहले परेशान ख्याली में इंसान मुब्तला होता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे. मैं भी परेशान ख्याली मुब्तला हो गई थी कि कॉलर्स क्यों नहीं फोन कर रहे, तो अचानक से मुझे आवाज आई कि अलवीना की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम अलवीना. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ, और आपको बहुत अच्छा लगा देखकर. और बस आप परेशान मत हो, आपकी फैमिली की तरह है, ऐसी कोई मायूसी की बात नहीं है. नहीं नहीं बच्चे, मैं यहाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे मेकअप रूम में गई टाइम निकल गया, मुझे पता था आप लोगों से मिलना है, लेकिन बाकी अच्छा, जो सारे प्रोग्राम्स है ना वो सब रह गए. चलो कोई नहीं, आप बताओ, तुम बताओ. आपकी मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, और मैं बहुत मिस, मैंने बहुत मिस करूंगी रूज को, प्रोग्राम में रौनक नहीं है. नहीं नहीं, अभी डॉक्टर मोइज ऐसी रौनक लगाने वाले ना आपको, जब मैं नहीं हुई ना आप बोलेंगे अच्छा ही नहीं है, डॉक्टर मोइज की रौनक है. बात करें डॉक्टर मोइज से. वालेकुम अस्सलाम अलवीना, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे? सर मैंने कंप्यूटर लिया है और नेट भी लगवाया आपसे और उससे बात करने के लिए फेसबुक पे. चले वंडरफुल, सर आप मुझे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा. और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर वैसे तो उसकी तरह काफी ज्यादा थी, लेकिन जब से आपका प्रोग्राम देखने लगी तो काफी मतलब कमी वाकई हुई है मायूसी में. बिल्कुल. और सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अक्सर ये होता है सर कि मेरी जो अचीवमेंट है ना वो सारी दब जाती है पीछे. बिल्कुल. और जो मायूसी की जो थोड़ी बहुत मेरी मायूसी जिंदगी में थी वो सारी आगे आ जाती है, कुछ पाया ही नहीं जिंदगी में. बिल्कुल सही है. चले थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, और थैंक यू सो मच तुम अपने घर पे एक कंप्यूटर लेके आए, इंटरनेट लगाए सिर्फ इसलिए कि हमसे बात कर सको. वैसे भी जब भी दिल चाहे तो ऑफिस आ जाए करो, कराची में ही रहकर बात हो जाएगी. हमारे साथ रिकॉर्ड कॉलर है मिसेस जाज लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब से बात कर? जी जी करे करे, डॉक्टर साहब इधर ही हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो मुझे ये करना था, थोड़ा सा शिकायत है, मैं आपके नंबर पे कॉल करती हूँ ताकि आपका अटेंड कर सके इधर, जो अक्सर लाहौर आते हैं आप. जी जी. तो नंबर कोई अटेंड नहीं करता है. किस टाइम कॉल करती हैं? डे टाइम, 10 बजे. आपका नंबर मैं भी कंट्रोल रूम से ले लेती हूँ, मैं ऑफिस जाके चेक कर लूंगी. जी जी. अच्छा, मायूसी मुझे ये बताएं, अक्सर ये होता है लोग समझते हैं कि फ्लैश सख्त लापरवाह है, मतलब अगर वो कोई परेशानी जाहिर नहीं करता या कोई दुख जो छुपा के, तो आधे घंटे या दूसरे दिन या सुबह उठता तो कहता चलो कल की बात कल से, आज से दोबारा जिंदगी शुरू करते. तो लोग समझते हैं केयरलेस है या डल है या कुंजेन है, इसको कुछ फील नहीं होता. तो इज़न्ट इट कि ये लापरवाही या कुंजेन नहीं होती, तो बर्दाश्त की इंतहा होती है और एतकाद होता है कि हाँ कोई जात है जो उसका ये सारी मायूसी दूर करेगी, क्योंकि ये अक्सर लोगों की बातें सुनने में आती हैं.
कि जीन को कोई परवाह नहीं है, तो आप इसका बताएंगे नेचर में चीज शामिल है या इंसान को अल्लाह की तरफ से कुछ खास होती है अनायत? अरुज यू आर लुकिंग वेरी गुड, बड़ी स्लिम हो गई हो, तो थोड़ा सा ना जरा थोड़ा सा शलवार को भी ज्यादा सूट करती है आपको। मुझे शलवार कमीज सूट करती, लेकिन क्या करूं आज शलवार कमीज थी नहीं ना अवेलेबल, मैं जा रही थी आज दुबई में और मैं यहाँ आ गई। चलें हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हुदा साहिबा एबटाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। फिदा साहब एबटाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आपने पहले नाम अभी आपने नहीं बता, मैंने जी कैसे हैं आप सर? जी सॉरी मुझे सुनाई गया सर, मैं थोड़ा गलत गया था, आप बताइए सर। आप ठीक ठाक हैं, सेहत अच्छी है? अगर नहीं होती तो यहाँ नहीं बैठी होती, और आपकी दुआएं साथ है तो मुझे कुछ हो सकता है, कभी भी नहीं, बताइए। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए, आमीन 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 सुमा आमीन। जी सर बताइए, मायूस होते हैं कभी आप? मायूस होता हूँ, मेरी डॉक्टर मोहित से यही रिक्वेस्ट है कि पूछना यही चाह रहा हूँ कि वो एक स्टेटमेंट होती है कि इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग, तो आजकल तो मैं अहमदाबाद में काफी टाइम से रह रहा हूँ, जब मैं होता था तो वी बिलोंग टू अ विलेज नियर अहमदाबाद, तो उस वक्त हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी, रोड भी नहीं थे, तो बड़ी एक नेचुरल लाइफ थी ऑर्गेनिक। कोई उस वक्त कोई 25 साल 30 साल पहले जो लोग थे उनकी इतनी बेसिक नेसेसिटीज इतनी एक्सट्रीम पे नहीं थी, मटेरियलिज्म नहीं था, बड़ा पुरसकून था, ऑर्गेनिक फूड था, वहीं भी आपाशी थी। अब जब इतनी एजुकेशन के बाद जब इस माशरे में आया, अब भी इतना मामलात है, एक मामलात ही नहीं है, मैंने अपने घर में यूपीएस लगाया हुआ है, लेकिन आई फील वेरी शेम, और मैं इतना हैप्पी फील मुझसे नहीं होता कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बिजली नहीं होती पांच पांच घंटे छह छह घंटे, एंड सेम इज द केस विद अ लॉट ऑफ अदर जो मसाइल है हमारे इस माशरे में। तो इन ऐसे माशरे में जहाँ पे बंदे को इल्म होता है कि आज ये मामलात हो रहे हैं, टॉक शो में ये मामलात हो रहे हैं, आज काफ लाम मोम ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं इनके ये मसाइल हैं, बिकॉज वी आर इन टैक्ट विद दैन, हम लाजम मजलूम है, वी आर द पार्ट ऑफ अवर हमारे अपने मुल्क का हिस्सा है, तो बींग अ पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट इतने मसाइल में बंदे को क्या रेमेडीज अख्तियार हो कि वो मायूसी तो होती है, मुझे तो मायूसी होती है, हाँ ये वो जो आगे लफ्ज है बड़ा मायूसी के आगे जो आपने अनवान में लिखा हुआ लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बंदे को मायूसी होती है अपने मुल्क के हालात देख के। ठीक है चले तो सर, इसमें मेंटली बंदा क्या रेमेडीज अख्तियार की जाए कि मायूसी ना हो, ऑब्वियसली होती है मुझे बता दो। चलिए सर थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मजा खालिद साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं खालिद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत दिन के बाद कॉल कर रहा हूँ, असल में आप लोगों के साथ ही बिजी था, 4D किया, उसको रिपीट किया, फिर EST किया, अभी सिल्वा किया रिसेंटली। कैसा लगा? बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था, स्पेशली सिल्वा का, जैसे मैंने एक के बाद एक दो केसेस किए और पहले में रिजल्ट 70% था और दूसरे में लग रहा है कि 100% रिजल्ट। हाय हाय, तो यानी हम मिठाई एक्सपेक्ट करें अभी? बिल्कुल बिल्कुल, भाषा नहीं मिठाई होगी। मजाक कर रही हूं, थैंक यू, इट्स ग्रेट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग सिल्वा, बिकॉज बहुत सारे लोग करके फिर कहते हैं प्रैक्टिस नहीं किया, बट यू आर प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग रिजल्ट, इट्स रियली नाइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन सब चीजों में इवन EST में भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें इसका जो ना फायदा होना है, अमेजिंग रिजल्ट है, बिल्कुल ऑर्डिनरी रिजल्ट है। बिल्कुल सही सर जी, बताइए आपको तो मायूसी नहीं हुई ना? जी जी, सिल्वा करके मायूसी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं भाई, असल में वो उसका एक मूड है, उसका एक टेम्पो थोड़ा स्लो है और वो मोस्टली उसमें होता है, ट्रांस में होता है, मेडिटेशन में होता है, बट इट्स वेरी गुड, इसको हम स्पेशली जो आपने हमें बुक में भी चीजें बहुत सारी बताई वो रिकॉल भी होती रहती है, जब हमने 3 दिन लेक्चर अटेंड किए, ऐसा ऐसा करके ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह फिक्स करेगा, आई थिंक इट्स स्ट्रॉन्गर देन 4D। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, ब्रेक में मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूसी कुफर है, अब आके बात करते हैं इस बारे में। वेलकम बैक नाजरीन, मायूसी कुफर है या नहीं ये तो हम डॉक्टर मोई से जानेंगे, लेकिन जिस वक्त हमारी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि क्या ये जिंदगी में कभी मायूस हुए, अगर आप हुए हैं तो प्लीज हमें कॉल करें बताएं, और क्या जब ये मायूस हुए तो